हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम टॉट ऑफ न्यूसेंस का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो है टाइप्स ऑफ न्यूसेंस। टाइप्स ऑफ न्यूसेंस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, कुछ केसेस भी हम डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टाइप्स ऑफ न्यूसेंस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस। इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, बट इन शॉर्ट हम देखते हैं कि न्यूसेंस ये वर्ड डेराइव किया गया है, लिया गया है फ्रेंच वर्ड न्यूटर और लैटिन वर्ड नोसेर से, जिसका मतलब होता है टू डू हर्ट और टू एनॉय, मतलब किसी को तकलीफ पहुंचाना या किसी को परेशान करना अपने एक्ट के जरिए, तो ये न्यूसेंस कहलाएगा। इट इज एन एक्ट और ओमिशन इंटरफेयरिंग विद द राइट ऑफ अनदर टू इंजॉय सम प्रॉपर्टी कॉजिंग डैमेज और फिजिकल डिस्कम्फर्ट। जो पर्सन का राइट होता है उसके प्रॉपर्टी को इंजॉय करने का, उसके प्रॉपर्टी को यूज करने का, अगर उसमें हम किसी भी तरीके का इंटरफियरेंस करते हैं जिसके वजह से उसको कोई डैमेज होता है या उसको फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, अपनी लाइफ वो आसानी से जी नहीं सक रहा है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल करके कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं काइंड्स ऑफ न्यूसेंस के तरफ। तो दो टाइप्स होते हैं न्यूसेंस के, दो काइंड्स होते हैं। पहला जो काइंड्स है वो है पब्लिक न्यूसेंस। के मतलब पब्लिक न्यूसेंस क्या है, देखिए, इट इज एन एक्ट और ओमिशन कॉजिंग इंजरी और डैमेज और अनायंस टू द पब्लिक एट लार्ज एंड पीपल इन जनरल। कि अगर मेरे एक्ट के वजह से अगर कॉमन पब्लिक को, है ना, पब्लिक एट लार्ज, जितने सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग हैं और वो सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, अगर वो सारे लोगों को किसी ना किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कोई इंजरी हो रही है मेरे एक्ट करने के वजह से या मेरी ड्यूटी थी कुछ करने की मैंने नहीं करने के वजह से अगर हो रहा है, तो दोनों सिचुएशन में ये पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि रोज रात में अपने टेरेस पे जाकर बहुत जोरों से गाने बजा रहा हूं जिससे पूरी सोसाइटी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये पब्लिक न्यूसेंस के डेफिनेशन में आ सकता है। या म्युनिसिपैलिटी की ड्यूटी होती है सोसाइटी में, शहर में क्लीनलीनेस मेंटेन करने की, साफ सफाई रखने की, अगर म्युनिसिपैलिटी फॉर एग्जाम्पल साफ सफाई नहीं रखती है तो ये ओमिशन में आएगा और जिसके वजह से लोगों को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये भी न्यूसेंस के लिए लायबल होगी म्युनिसिपैलिटी और ये पब्लिक न्यूसेंस होगा। तो अगर पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट हो रही है किसी के एक्ट के वजह से, अगर उनको कोई परेशानी हो रही है तो ये पब्लिक न्यूसेंस में आएगा। पब्लिक न्यूसेंस इज बोथ अ टॉर्ट एंड क्राइम। पब्लिक न्यूसेंस टॉर्ट भी है और क्राइम भी है। सेक्शन 268 जो IPC का है उसमें पब्लिक न्यूसेंस है। 268 टू 295 जो सेक्शन है इंडियन पिनल कोड का, वो सारे पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है पब्लिक न्यूसेंस का, ऑब्स्ट्रक्टिंग अ हाईवे। अगर हम किसी भी तरीके से हाईवे का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, ऐसी तरीके से हमने गाड़ी पार्क कर दिए कि लोग उस हाईवे को आसानी से क्रॉस नहीं कर पा रहे, उनको तकलीफ हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। डायमंड वर्सेस पियर्स इस केस में पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड हुआ था। लिविंग अ लॉरी इस केस में क्या हुआ था कि डिफेंडेंट ने, जो इमेज में देख रहे हो गए आप, डिफेंडेंट ने क्या किया, उसकी लॉरी को ऐसी जगह पर पार्क किया, एक नैरो रोड था कि जहां पर पार्क करने के बाद एक छोटा रास्ता बच गया। अब वो छोटे रास्ते में से लोगों को रास्ता पास करने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सूट फाइल हुआ पब्लिक न्यूसेंस का डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया पब्लिक न्यूसेंस के लिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्टो वर्सेस डीएल दूसरा केस है पब्लिक न्यूसेंस के लिए। कि पब्लिक न्यूसेंस होगा कब, जहां पर जनरल पब्लिक को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, तो पब्लिक न्यूसेंस होता है। अब सॉल्टो वर्सेस डीएल्ड में यह हुआ था कि एक चर्च था और चर्च पे एक चैपल बेल थी एकदम, और चर्च था कहां पर था, ऊंचाई पे था, पहाड़ पर वो चर्च था और चर्च के एकदम टॉप पर एक बेल थी और वो बेल 24 आवर्स जैसी हवा चलती थी वो बेल बजते रहती थी कंटिन्यूअसली, और वो एकदम टॉप पर था पहाड़ पे और नीचे सारा शहर था। अब वो ठीक ठाक दिन में तो वो बेल पे लोगों का उतना ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जब रात में सब
शांत हो जाते थे तब उस बेल का आवाज बहुत ज्यादा लोगों को खलता था, उनको इनकन्वीनियंस हो रहा था। सूट फाइल हुआ डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि भाई वो घंटी बजने के वजह से हमको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वी आर गेटिंग अनॉइड, हमको तकलीफ हो रही है। तो कोर्ट ने डिफेंडेंट को इमीडिएटली ऑर्डर पास किया कि वो जो बेल है उसका इंतजाम किया जाए, वो बेल को बंद किया जाए, क्योंकि इसके वजह से जनरल पब्लिक को डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ये पब्लिक न्यूसेंस का केस था और कोर्ट ने डिफेंडेंट को यहां पर लायबल ठहराया। पब्लिक न्यूसेंस व्हेन एक्शनेबल बाय प्राइवेट पर्सन। अब देखिए नॉर्मली होता क्या है कि पब्लिक न्यूसेंस में प्राइवेट पर्सन कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता। पब्लिक न्यूसेंस में हम जिस जो पर्सन पब्लिक न्यूसेंस कॉज कर रहा है ना, उसको वो एक्टिविटी बंद करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, बट डैमेजेस कब क्लेम किए जाएंगे, नुकसान भरपाई कब क्लेम की जाएगी, प्राइवेट पर्सन नुकसान भरपाई कब क्लेम कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस में, ये हम देखेंगे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर पब्लिक न्यूसेंस के लिए प्राइवेट पर्सन भी नुकसान भरपाई क्लेम कर सकता है। उसका पहला एग्जाम्पल है स्पेसिफिक डैमेज। अब देखिए दैट ही हैज सफर्ड पर्टिकुलर इंजुरी हिमसेल्फ बियॉन्ड दैट सफर्ड बाय द रेस्ट ऑफ द पब्लिक। अगर मुझे पब्लिक न्यूसेंस में कंपेंसेशन चाहिए तो नॉर्मली जनरली प्राइवेट पर्सन पब्लिक न्यूसेंस के लिए सूट फाइल करके कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मुझे क्लेम करना है तो मैं क्या प्रूफ करूंगा कि भाई ये जो पब्लिक न्यूसेंस जो डिफेंडेंट ने क्रिएट किया उससे सारे लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मुझे एक स्पेशल इंजुरी हुई। फॉर एग्जाम्पल के यहां पर देखिए कि इस केस में हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ लखनऊ वर्सेस रामदीन, डिफेंडेंट डिग ए ट्रेंच अक्रॉस द हाईवे। यहां पर डिफेंडेंट ने हाईवे पर गड़ा खोदा, ठीक है। अब गड़ा खोदने की वजह से हुआ क्या था कि जितने लोग वो रास्ता यूज करते थे वो सारे लोगों को वो गड़ा खोदने की वजह से इनकन्वीनियंस हो रहा, उनको एकदम साइड से जाना पड़ रहा या दूसरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा था, तो लोगों को, तो सारे लोगों को डिस्कम्फर्ट हो रहा था। ये पब्लिक न्यूसेंस का केस था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ जो रास्ते से जा रहा था साइकिल से, वो उस गड़े में गिर गया और उसका पैर टूट गया। अब यहां पर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और प्लेंटिफ ने यहां पर ये प्रूफ किया कि भाई ये पब्लिक न्यूसेंस का केस है, डिस्कम्फर्ट सारे लोगों को हुआ लेकिन मुझे स्पेशल डैमेज हुआ, पैर मेरे अकेले का ही टूटा। तो अगर प्लेंटिफ ये प्रूफ करता है कि जो लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ वो एक अलग चीज है, मुझे स्पेशल डैमेज हुआ, तो वो स्पेशल डैमेज प्रूफ करके न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस में भी कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, और यही डिफेंडेंट को इस केस में लायबल ठहराया कोर्ट ने। अब देखिए दूसरा एग्जांपल कि कब पब्लिक न्यूसेंस प्राइवेट पर्सन क्लेम कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस में। इंजुरी मस्ट बी सब्सटेंशियल। देखिए देयर सच इंजुरी इज फॉर रियल इंपॉर्टेंस और वैल्यू। वो इंजुरी सब्सटेंशियल होना जरूरी है। जैसा पिछले केस में हमने देखा कि सारे लोगों को डिस्कम्फर्ट हुआ लेकिन वो साइकिल से आ रहा था प्लेंटिफ, वो गिर गया गड़े में और उसका पैर टूट गया। ये जो इंजुरी है वो सब्सटेंशियल नेचर की है, रियल नेचर की है। तो अगर इंजुरी रियल नेचर की रही तभी प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है पब्लिक न्यूसेंस में सूट फाइल करके क्लेम कर सकता है। द डैमेज मस्ट बी पर्टिकुलर डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल। जो डैमेज उसको हुआ है वो पर्टिकुलर डैमेज होना चाहिए। क्यों प्लेंटिफ को नुकसान भरपाई मिली? क्योंकि उसने यहां पर प्रूफ किया कि गड़े में गिरने की वजह से मेरा पैर टूटा। ये इंजुरी कैसी है? डायरेक्ट इंजुरी है, तभी उसको कंपेंसेशन मिला। मतलब पब्लिक न्यूसेंस था लेकिन प्राइवेट पर्सन को डैमेज मिला। रूल क्या है, जनरल रूल, कि पब्लिक न्यूसेंस में प्राइवेट पर्सन क्लेम नहीं कर सकता है। प्राइवेट पर्सन क्लेम कब करेगा? अगर वो प्रूफ करता है कि जो सारी पब्लिक को डिस्कम्फर्ट हुआ लेकिन मुझे स्पेशल डैमेज हुआ, जैसा इस केस में हमने डिस्कस किए। तीसरा एसेंशियल कि जब पब्लिक न्यूसेंस के लिए प्राइवेट पर्सन कब क्लेम कर सकता है? द इंजुरी मस्ट बी डायरेक्ट एंड नॉट मेयरली कॉन्सिक्वेंशियल। डायरेक्ट इंजुरी मीन्स अ इंजुरी विच मे बी फोरसीन बाय द डिफेंडेंट एज प्रोबेबल इन द सेंस दैट द प्लेंटिफ इज लाइकली टू सफर एडिशनल और पर्टिकुलर इंजुरी। इंजुरी मस्ट बी डायरेक्ट एंड नॉट मेयरली कॉन्सिक्वेंशियल। अब पिछले केस में हमने डिस्कस किया था कि डिफेंडेंट ने हाईवे पर गड़ा खोदा और उसी गड़े में वो जो प्लेंटिफ साइकिल पर आ रहा था वो गिर गया। ये इंजुरी कैसी होगी? ये डायरेक्ट इंजुरी होगी। अब कॉन्सिक्वेंशियल इंजुरी कैसी हो सकती है? अब वो प्लेंटिफ ने देखा कि गड़ा खुदा हुआ है और प्लेंटिफ ने दूसरे रास्ते से
जाने की सोचा, और जब वो दूसरे रास्ते से जा रहा था वो कहीं पर जाकर गिर गया और उसको इंजरी हो गई। ये इंजरी हो गई कॉन्सिक्वेंशियल, और ये इंजरी के लिए वो क्लेम नहीं कर सकता है। तो अगर प्राइवेट पर्सन को पब्लिक न्यूसेंस में अगर कंपेंसेशन क्लेम करना है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मुझे इंजरी हुई है वो डायरेक्ट है, जो तूने गड़ा खोदा था, जो डिफेंडेंट ने गड़ा खोदा था उसी गड़े में मैं गिरा, दूसरे तरफ जाकर मैं नहीं गिरा। तो वो दूसरे तरफ गिरेगा तो वो इंजरी हो जाएगी कॉन्सिक्वेंशियल। डायरेक्ट इंजरी कब होगी? जो गड़ा डिफेंडेंट ने खोदा था उस गड़े में अगर गिरेगा तो डायरेक्ट इंजरी कहलाएगी। तो ये पब्लिक न्यूसेंस के लिए प्राइवेट पर्सन भी क्लेम कर सकता है अगर इस सिचुएशन रही जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा टाइप है न्यूसेंस का, प्राइवेट न्यूसेंस। इफ द न्यूसेंस कॉजेज इंजरी और डैमेज टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट न्यूसेंस। कि अगर किसी का न्यूसेंस किसी इंडिविजुअल को डैमेज करता है तो प्राइवेट न्यूसेंस में आएगा। अगर मेरा पड़ोसी अगर गाना बजा रहा है और वो मुझे सुने आ रहा है और मैं मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये प्राइवेट न्यूसेंस है। पूरे सोसाइटी को डिस्कम्फर्ट होगा, पब्लिक न्यूसेंस हो जाएगा। अगर मेरा पड़ोसी ऐसी कोई मशीनरी चला रहा है जिसके वजह से मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है तो ये हो जाएगा प्राइवेट न्यूसेंस, क्योंकि इंडिविजुअल मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ये प्राइवेट न्यूसेंस कहलाएगा। प्राइवेट न्यूसेंस इंक्लूड रॉन्गफुल एस्केप ऑफ फॉल गैस और नॉइस वाटर फिल्थ एंड जम्स। अब प्राइवेट न्यूसेंस में क्या क्या आ जाएगा? एस्केप ऑफ फॉल गैस, फिल्थ स्मेल आ रही है, या नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, या पानी अपने घर के सामने अपने पड़ोसी का बार बार पड़ोसी का सारा पानी अपने घर के सामने आ जाता है, तो ये प्राइवेट न्यूसेंस का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल होते हैं प्राइवेट न्यूसेंस के। अब देखिए प्राइवेट न्यूसेंस के एलिमेंट्स क्या है, कि कब प्राइवेट न्यूसेंस में पर्सन लायबल रहेगा। एलिमेंट्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस में पहला है अनलॉफुल एंड अनरीजनेबल इंटरफियरेंस, समझ रहे हो। द प्लेंटिफ मस्ट एस्टैब्लिश दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल इंटरफियरेंस विद हिज राइट टू यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। अगर मुझे मेरे पड़ोसी के अगेंस्ट में प्राइवेट न्यूसेंस के लिए सूट फाइल करने का है तो मुझे ये प्रूफ करना जरूरी है कि मेरा जो पड़ोसी है वो मेरे राइट टू यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड जो मुझे है उसमें इंटरफियरेंस कॉज कर रहा है, और जो वो इंटरफियरेंस कॉज कर रहा है ना वो अनरीजनेबल है, वो रीजनेबल नहीं है। उसके एक्ट के वजह से मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसके एक्ट के वजह से मुझे परेशानी हो रही है। अगर मैं ये प्रूफ करता हूं तो मुझे कंपेंसेशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। देन एलिमेंट्स में सेकंड है कि सिर्फ अनरीजनेबल और अनलॉफुल इंटरफेयर सफिशिएंट नहीं है। न्यूसेंस में अगर मुझे केस जीतना है और मुझे अगर कंपेंसेशन चाहिए तो मुझे डैमेज प्रूफ करना पड़ेगा। द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव सम एक्चुअल डैमेज ही सफर्ड। मुझे यह प्रूफ करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से, मेरे पड़ोसी के एक्ट की वजह से मुझे डैमेज हो गया। जो पड़ोसी हेवी मशीनरी चला रहा है उसके प्रीमाइसेस में, उससे जो वाइब्रेशन कॉज हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान हो गया उसकी वजह से। जब मैं नुकसान प्रूफ करूंगा तभी मुझे कंपेंसेशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। डॉक्टर रामराज सिंह वर्सेज बाबूलाल ये केस है। इस केस में ये हुआ था कि डॉक्टर था और डॉक्टर का कंसल्टिंग रूम था और उसके ठीक पड़ोस में जो डिफेंडेंट था उसकी ब्रिक्स की एक कारखाना था ईंट बनाने का, और जो धुआं होता था उससे और जो डस्ट होती थी उसके वजह से वो डॉक्टर को डिस्कम्फर्ट होता था, सारी धूल आकर उसके क्लिनिक में जमा हो जाती थी। तो डॉक्टर ने सूट फाइल किया और डॉक्टर ने ये बोला कि मेरे पड़ोसी का जो एक्ट है वो अनरीजनेबल इंटरफियरेंस है, जिसके वजह से मुझे इनकन्वीनियंस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और जिसके वजह से मुझे 40 पेशेंट को देखना होता है, मैं 20 ही देख पा रहा हूं, मतलब मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है और डिस्कम्फर्ट होने की वजह से मुझे लॉस भी हो रहा है। तो इस केस में डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल ठहराया प्राइवेट न्यूसेंस के लिए, क्योंकि वो अनरीजनेबल इंटरफियरेंस था डिफेंडेंट का। अब काइंड्स ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस क्या है हम देखेंगे, के दो टाइप्स है प्राइवेट न्यूसेंस के। काइंड्स क्या है? फर्स्ट काइंड है डैमेज टू प्रॉपर्टी। देखिए इन केस ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी मे बी सफिशिएंट टू सपोर्ट एन एक्शन ऑफ न्यूसेंस। कि डैमेज टू प्रॉपर्टी है, मेरे पड़ोसी के एक्ट के वजह से अगर मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो मैं डैमेज प्रूफ करके कंपेंसेशन क्लेम कर सकता हूं। वुड वर्सेस कॉनवे एंड कॉर्पोरेशन ये केस था। इस केस में ये हुआ था कि जो डिफेंडेंट था वो डिफेंडेंट का गैस वर्क था और वो गैस आने की वजह से प्लेंटिफ को डिस्कम्फर्ट होता था। तो प्लेंटिफ ने क्या किया कि उस गैस
उसके प्रीमाइसेस में इंटर ना हो, इसलिए जो हम ये ट्री स्क्रीनिंग वाला इमेज देख रहे हैं उसने बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ लगा दिए, तो उसने ये सोचा कि ये जो गैस है ये पेड़ स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब इधर इंटर नहीं होने देंगे और मुझे जो डिस्कम्फर्ट होने वाला है वो डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। लेकिन हुआ ऐसा कि वो गैस के वजह से, वो पॉइजनस गैस के वजह से वो सारे पेड़ जो प्लेंटिप ने लगाए थे वो सारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो गए, जल गए। अब यहां पर प्लेंटिप ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और यह कहा कि भाई तेरे अनरीजनेबल इंटरफेरेंस के वजह से मेरे प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ, फिजिकल डैमेज, डैमेज टू प्रॉपर्टी, क्योंकि वो पेड़ थे वो प्लेंटिप की प्रॉपर्टी थे और वो पेड़ को नुकसान हो गया। यहां पर प्लेंटिप ने वो नुकसान प्रूव किया, कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया, किसके लिए, फॉर द टॉट ऑफ न्यूसेंस, क्योंकि न्यूसेंस में जो इंटरफेरेंस है वो इनडायरेक्टली होता है। वो गैस का वर्क डिफेंडेंट उसके प्रीमाइसिस में कर रहा था और वो जो धुआं है वो गैस आकर इसको डैमेज किए, इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस है, तो कोर्ट ने लायबल ठहराया और कोर्ट ने ये कहा कि इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, ये डैमेज टू प्रॉपर्टी का एग्जांपल है और डिफेंडेंट को लायबल ठहराया कोर्ट ने इस केस में। सेकंड काइंड है फिजिकल डिस्कम्फर्ट, सेकंड टाइप ऑफ प्राइवेट न्यूसेंस इज फिजिकल डिस्कम्फर्ट। इन केस ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट द एक्ट complaint of must be interference with the enjoyment or use of land, person का जो use of land है, enjoyment of land है, उसमें interference होना जरूरी है। दत्तामल चिरंजी लाल versus लोत प्रसाद, यहाँ पर defendant established a flour mill adjacent to plaintiff house, यहाँ पर जो plaintiff का घर है वहाँ पर उसने क्या किया कि defendant की एक flour mill थी जो बहुत ज़्यादा noise और vibration create करती थी, तो plaintiff ने defendant के against में suit file किया। अब वो ज्यादा आवाज और ज्यादा डिस्कम्फर्ट और जो आटा आने वाला था उसके वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा था, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रहा था प्लेंटिप को, प्लेंटिप ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में और यहां पर कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि यस ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट का एग्जांपल है और इस केस में डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल ठहराया प्राइवेट न्यूसेंस के लिए। अब हु कैन से इन प्राइवेट न्यूसेंस, अब कौन सूट फाइल कर सकता है प्राइवेट न्यूसेंस में, एक तो ओनर, अगर मैं प्रीमाइसिस का ओनर हूं तो जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है मैं उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता हूं। दूसरा ऑक्यूपायर, कि अगर ओनर नहीं है लेकिन वो ऑक्यूपायर है, मतलब पोजेशन है उसका प्रॉपर्टी का, मैं अगर किराएदार हूं तो मेरा पोजेशन है, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है मेरे पड़ोसी के इससे एक्ट की वजह से, तो मैं ऑक्यूपायर हूं, मैं उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता हूं। टेनेंट इन पोजेशन, पर्सन विदाउट पोजेशन और लाइसेंसी और गेस्ट सर्वेंट कैन नॉट सू, तो मैं टेनेंट हूं, मेरे पास पोजेशन है, मैं सूट फाइल कर सकता हूं मेरे पड़ोसी के अगेंस्ट में। मेरा पड़ोसी ये नहीं कह सकता कि तुम ओनर कहां हो, क्योंकि ये इंटरफेरेंस पोजेशन जिसके पास है उसको हो रहा है, तो ऑक्यूपायर कर सकता है। हु कैन बी सूड, मतलब किसके अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है, तो द क्रिएटर ऑफ न्यूसेंस, जो न्यूसेंस क्रिएट करेगा उसके अगेंस्ट में सूट फाइल होगा, द एन ऑक्यूपायर। कभी कभी क्या होता है कि मैं टेनेंट हूं, अगर मैं न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हूं तो इस प्रॉपर्टी का ओनर के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं होगा, मैं ऑक्यूपायर हूं, मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल होगा। वेयर द ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड फेल्स टू रिपेयर द प्रीमाइसेस वेयर बाय न्यूसेंस इज क्रिएटेड, अगर मैं ऑक्यूपायर हूं, मुझे प्रीमाइसेस को रिपेयर करना था लेकिन मैंने रिपेयर नहीं किया जिसकी वजह से न्यूसेंस हो रहा है, तो मैं लायबल रहूंगा बीइंग अ ऑक्यूपायर। हु कैन बी सूड, लैंडलॉर्ड। तीसरा एक लैंडलॉर्ड, जनरली लैंडलॉर्ड विल नॉट बी लायबल, मैं किराएदार हूं, मकान मालिक कोई और है, तो मकान मालिक जनरली लायबल नहीं रहेगा क्योंकि क्रिएटर ऑफ न्यूसेंस मैं हूं, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में मकान मालिक लायबल हो सकता है, बट वेयर ही नोज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी द नेचर ऑफ न्यूसेंस, लैंडलॉर्ड को मेरी टेनेंसी, मैं किराएदार हूं मेरे, लेकिन न्यूसेंस क्रिएट हुआ ये अगर लैंडलॉर्ड को पता है और लैंडलॉर्ड ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो सिचुएशन में लैंडलॉर्ड न्यूसेंस के लिए लायबल हो सकता है। वेयर ही हैज कोविनेंटेड टू रिपेयर, अगर लैंडलॉर्ड ने यह कहा कि जब कभी भी प्रीमाइसेस को रिपेयर करने की जरूरत होगी वो मैं करूंगा, टेनेंट के पास कोई राइट नहीं है, अगर प्रीमाइसेस को रिपेयर नहीं करने की वजह से न्यूसेंस होगा तो लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा उसके पास, क्योंकि रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडलॉर्ड की थी और न्यूसेंस कैसा हुआ, लैंडलॉर्ड ने प्रीमाइसिस को रिपेयर नहीं किया इसलिए न्यूसेंस हुआ, तो इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। वेयर ही हैज रिजर्व द राइट टू इंटर एंड रिपेयर, अगर लैंडलॉर्ड ने राइट टू इंटर और रिपेयर का राइट अपने पास रखा तो उस सिचुएशन में रिपेयर नहीं करने की वजह से न्यूसेंस होता है, तो लैंडलॉर्ड रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसके लिए। व्हेन ही हैज ऑथराइज्ड द न्यूसेंस, अगर लैंडलॉर्ड ने उस न्यूसेंस को ऑथराइज्ड किया, अगर लैंडलॉर्ड बोल रहा होगा टेनेंट को कि तुम जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो टेंशन मत लो, मैं हूं देखने वाला,
तो यहां पर अथोराइज्ड किया लैंडलॉर्ड ने न्यूसेंस को, तो उस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड लायबल होगा। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूसेंस जो हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।